जय हिंद एंड नमस्कार सबको। आज का टॉपिक है सैंडबॉक्सिंग, जी स्केलर सैंडबॉक्सिंग। तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट जी स्केलर सैंडबॉक्सिंग, मैं आप लोगों को दो तीन चीज बताना चाहता हूँ, ये सैंडबॉक्सिंग रिलेटेड ही है। तो पहला क्वेश्चन है, सैंडबॉक्सिंग क्या चीज है? मुझे साइड में रख लो, तो आपका नहीं हो। पहले जानिए व्हाट इज सैंडबॉक्सिंग। देखिए सैंडबॉक्सिंग क्या है, यहाँ पे एकदम सिंपल, कुछ पढ़ने के लिए पहले उसको जानना है, क्यों, किस लिए और क्यों, क्या चीज है, क्यों इन्वेंट हुआ है, उसका यूजेस क्या है। ये तीन चीज मोटा मोटी हमेशा क्वेश्चन में रख करिए, तो आपको ना बाकी का आंसर ऐसे ही आ जाएगा। इसलिए देखो, ये सैंडबॉक्सिंग एज एन आइसोलेटेड टेस्टिंग एनवायरमेंट दैट एनेबल यूज टू रन प्रोग्राम ओपन फाइल विदाउट इफेक्टिंग द एप्लीकेशन सिस्टम ऑफ प्रोग्राम ऑन व्हिच दे आर रनिंग। तो ये क्या है, कह रहा है कि आइसोलेटेड एनवायरमेंट है जहाँ पे आप कुछ प्रोग्राम जो होता है वो रन करोगे, किसी को आप हार्म नहीं पहुंचाओगे। मतलब भाई घर के कोने में बैठे कुछ काम कर रहे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मेरा जो काम है वो होने के बाद मैं सबको बता दूंगा, सब मैं अपडेट डाल दूंगा, भाई ये इसको हाथ मत लगा, इसको काम मत कर, ठीक है। तो यही ऐसा काम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सैंडबॉक्सिंग टेस्ट। देखो यहाँ पे कह रहा है, प्रोग्रामिंग कोड साइबर सिक्योरिटी प्रोसीजर यूज्ड टू सैंडबॉक्सिंग टेस्ट पोटेंशियल मैलिशियस सॉफ्टवेयर विदाउट सैंडबॉक्सिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन कुड हैव पोटेंशियल अनलिमिटेड एक्सेस ऑल द यूजर डेटा एंड सिस्टम रिसोर्सेस ऑन। तो जो भी उसने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको एक बार पढ़ लीजिए। बेसिकली क्या होता है, ये हर जगह होता है, सिक्योरिटी एनवायरमेंट में सैंडबॉक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पालो ऑल्टो में है, पालो ऑल्टो में देखना आपने सुना होगा वाइल्ड फायर। बेसिकली कहता है कि 0 डे जो होता है, मतलब जो आज ही का आज बेबी बॉर्न हुआ है उसको पकड़ने के लिए सैंडबॉक्स बैठा है। ऐसा नहीं है बेबी, मतलब जो अटैक्स होने वाला है कि साइबर अटैक्स जो होते रहते हैं, जो क्या कहते हैं, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, तो जितना मुझे आइडिया है वही मैं बता रहा हूँ, प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ वही कह दिया तो सब 100% सही है, नहीं ना ऐसा नहीं है, सॉरी, ठीक है। अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो मुझे मुझे रेक्टिफाई भी कर दीजिएगा। तो वही होता है 0 डे थ्रेट एनालिसिस के लिए सैंडबॉक्सिंग काम करता है, ठीक है। जो अननोन है, जो जिसका इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, उसी को सैंडबॉक्सिंग बेसिकली चेक करता है कि भाई आज का आज आया है। तो 0 डे थ्रेट जो एनालिसिस होता है उसी के लिए, देखो कहीं पे मिल जाएगा, अगर आप सैंडबॉक्सिंग का यहाँ पे भी दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन अबाउट सैंडबॉक्सिंग, सेम लिखा हुआ है देखो, ठीक है। कहीं पे द सॉल्यूशन देयर सैंडबॉक्सिंग यूज है प्रिवेंट मैलिशियस अटैक सच एज रैनसमवेयर ट्रोजन स्पाइवेयर। तो यही सब जगह हाउ डज सैंडबॉक्स वर्क, सैंडबॉक्स वर्क इज अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, देखा हुआ बोला है, इंडिपेंडेंटली ऑफ योर कंप्यूटर एंड योर नेटवर्क, इट्स बेसिकली एन आइसोलेटेड टेस्टिंग एनवायरनमेंट। तो कुछ अगर मिलता है तो क्या करता है, सैंडबॉक्सिंग में उसको वो एप्लीकेशन को रन कराता है कि इसका, सोचो कि एक ईएक्सई फाइल मिला है, डाउनलोड हो रहा है मेरे सिस्टम में, तो उसका काम क्या है, तो वो सैंडबॉक्सिंग उस एनवायरनमेंट में उसको रन कराएगा। भाई अगर ये मेरे सिस्टम में रन हो जाता है तो क्या इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हैं, क्या काम है, ठीक है। तो वो सैंडबॉक्सिंग का काम है, उस साइड में जाके वो काम करके बताता, नहीं ठीक है इसको आप रन करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर देखता है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो अरे नहीं, ये मैलेशिया से, उसके बिहेवियर चेक करता है। जब हम लोग कहते हैं तेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, उस बंदे का बिहेवियर अच्छा नहीं, उससे मत बात कर, तो सैंडबॉक्सिंग ही वैसा ही काम करता है, बिहेवियर एनालिसिस भी करता है। देखो वही सब लिखा है, देयर टू डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एग्जांपल सैंडबॉक्सिंग यूज्ड टू टेस्ट न्यू कोड्स एंड ए अवॉइडिंग प्रोग्रामिंग एरर द सच इन मोर सिक्योरिटी सैंडबॉक्सिंग यूज्ड टू टेस्ट रन मैलीशियस प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यही उसका काम है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, अब सैंडबॉक्सिंग हर जगह यूज होता है। देखो अगर कुछ हम फोटो वोटो देखते हैं तो भी वही देखेगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में सैंडबॉक्सिंग रन कर रहा है। अगर हम इसमें इमेजेस में भी जाए हैं तो यहाँ पे भी आप वही देखोगे, ठीक है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे वो सैंडबॉक्सिंग रन करा रहा है। कुछ दिया है, सिक्योरिटी मिल गेट हो, बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, मैलिशियस कंटेंट ये है, ठीक है। तो एक रन कर रहा है, तो ये हो गया सैंडबॉक्सिंग का बेसिक, मैंने पूरा नहीं दिया, सैंडबॉक्सिंग बहुत बड़ी है, उसको आप इतमान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, 0 डे अटैक कैसे वो प्रिवेंट करता है, क्या मेकानिज्म है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दिया, तो उसका काम है यही, 100% नहीं है,
बहुत कुछ है, 2% भी नहीं है रेपो बंद में। ठीक है, तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दिया सैंडबॉक्सिंग का, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए क्या क्या काम करता है, व्हाट इज सैंडबॉक्सिंग, हाउ इट्स वर्क, हाउ इट्स प्रिवेंट जीरो डे, देखो यहाँ पे भी लिखा है जीरो डे अटैक को कैसे प्रिवेंट करता है, ठीक है, कैसे एनालिसिस करता है, ये सब बहुत कुछ है सैंडबॉक्सिंग के लिए। तो हम अभी चलते हैं जी स्केलर के सैंडबॉक्सिंग में जो दिया हुआ है, तो देखिए सैंडबॉक्स प्रोवाइड्स एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस जीरो डे थ्रेट असेसमेंट प्रिवेंट एटीपी थ्रू सैंडबॉक्सिंग एनालिटिक्स। ठीक है, इन एन इंटीग्रेट ऑफ फाइल बिहेवियर, देखो मैंने कहा कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है तो ये बिहेवियर भी चेक करता है, टू एंश्योर योर ऑपरेशन वेब सिक्योरिटी। फिर जी स्केलर सर्विस रन एज एनालिटिक्स फाइल इन एनवायरनमेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट टू डिटेक्ट मैलिशियस बिहेवियर, वर्चुअल एनवायरनमेंट रन करता है कुछ फाइल आता है प्रोग्राम उसको रन करता है, तो इट प्रोपगेट्स हैश, सबका एक हैश वैल्यू होता है ना, ठीक है, जो फॉर मैलिशियस फाइल वो हैश वैल्यू क्या करता है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फॉर ऑल जीए पब्लिक सर्विसेज, कि भाई मुझे एक मिला है, मुझे एक मिला है, तो वो क्या करता है सबको अपडेट कर देता है। ठीक है, जैसे जी इसके जैसे हम लोग पालो ऑल्टो में करते हैं वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर क्या होता है, अगर उसको कुछ मिलता है वो क्या करता है विद इन ग्लोबली जितना है वो सब में वो अपडेट दे देता है। ठीक है, तो सेम काम ये भी करता है सिक्योरिटी, अगर उसको कुछ मिला है ये चोर है सबको वो बताना पड़ेगा, अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अरे वो बंदा अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर खराब है, उससे बात मत कर, हम लोग क्या करते हैं अवेयर करते हैं उन इंसानों से, तो वही सेम काम ये भी करता है, इंसानों बना इंसानों से ही सिखाया। ठीक है, थ्रू आउट द क्लाउड एज, थ्रू आउट द क्लाउड एज इफेक्टिव मेंटेनिंग अ रियल टाइम डिनाइलिस्ट। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर उसके पास मुझे मिला, अच्छा ये दो तीन चार करते करते उसके पास एक डेटाबेस बना लेता है, जैसे ही उसके बाहर कुछ आता है तभी उसको न्यू पकड़ लेता है वो, तो सो इट कैन प्रिवेंट यूजर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड फ्रॉम डाउनलोडिंग मैलिशियस फाइल। ठीक है, तो आप मैलिशियस दुनिया भर में हर दिन इन्वेंट होता जा रहा है, उन लोगों का काम है वो कर रहा है, इनका काम है प्रिवेंट करना, प्रिवेंट कर रहा है, तब क्या होता है वो कहता है कि ये आ गया ये आ गया, क्या कहते हैं लिस्ट बना रहा है, मतलब उसको कहते हैं डेटाबेस, जैसा होता है ना, तो वैसा डेटाबेस यहाँ उन लोग भी बना रहे हैं, बना के उसको अपडेट करके रखते हैं कि भाई ये है मेरा डेटाबेस है, उसके बाहर कुछ उसके रिलेटेड कुछ आ जा रहा है तो उसको क्वारंटाइन कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और उससे बाहर कुछ आता है तो उसको फिर वो एनालिसिस करता है, यही काम है। अबाउट द डिफॉल्ट सैंडबॉक्सिंग रूल, देखो डिफॉल्ट सैंडबॉक्सिंग एक रूल है जी स्केलर का, मल्टीपल जी स्केलर सर्विस डज द फॉलोइंग, क्या करता है, इट एनालिसिस विंडोज एक्सक्यूटेबल फाइल और विंडोज लाइब्रेरी फाइल, जो विंडोज का होता है ज्यादातर दुनिया में विंडोज ही है वो इफेक्टिव ज्यादा होते हैं, लिनक्स में होता है मैक का तो सिक्योरिटी के लिए ही जाना जाता है दुनिया में, सोचो सच एज डायनामिक लिंक लाइब्रेरी दैट टू, अच्छा देयर आर 2 MB और लेस देन 2 MB डाउनलोड यूअर सस्पिशियस कैटेगरी द, अब कौन सा कैटेगरी यूआरएल कैटेगरी, आप ब्राउजर पे जाओगे, आप लोगों को भी पता है कि हम लोग टोरेंट जाते हैं इधर जाते हैं उधर जाते हैं, जब भी इधर उधर जाते हैं हम लोगों को कितना कुछ देखने को मिलता है, इधर से ऐड आ रहा है उधर से ऐड आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली दूसरा दो तीन पेज खुल जा रहा है, तो ये सब के क्योंकि हम लोग के पास ना ही इतना सिक्योरिटी लगा हुआ है, अब कॉर्पोरेट में जाओगे तब आपको पता चलेगा, कुछ उल्टा सीधा करने जाओगे तब जब जब पहले तो पेज खुलेगा नहीं, ठीक है, आपके पास वार्निंग मैसेज आ जाएगा। और हम लोग घर में तो बैठ के फ्री ये इंटरनेट में कुछ भी चला रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए हमारा सिस्टम ज्यादा इफेक्टेड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब कैटेगरीज जो है पढ़ लीजिएगा क्या क्या कैटेगरी, इस कैटेगरी में जितना भी है वो उसको बाय डिफॉल्ट उतरता है, कुछ अगर उल्टा सीधा डाउनलोड करना तो ब्लॉक कर देता है जो मुझे लगा। द सर्विस ऑल्सो एनालिसिस दिस फाइल देयर कंटेंट ZIP और अचीव फाइल, अच्छा जिप, अच्छा देखो ये क्या है, व्हेन यूजर अटेम्प्ट टू डाउनलोड फाइल दैट मीट द अबव क्राइटेरिया एंड द सर्विस हैज नेवर सीन द फाइल बिफोर, द सर्विस अलाउ द अलाउज डाउनलोड एंड सेंड फाइल टू द सैंडबॉक्सिंग, क्या
क्या लिखा है कि नेवर सीन, अगर कोई इसमें से कोई फाइल उसने पहले नहीं देखा। अन्नू ने, भाई तू कौन सा स्कूल का है, तू साइड में है, बाद में हम उसको आईडी चेक करते, मतलब इसको साबे घुस रहे, तब क्या करते सिख, अरे मैंने तुझे कभी नहीं देखा अन्नू लगा, भाई तुम थोड़ा साइड में आओ फिर चेक भी, अरे ठीक है तू चला जा, अब उसको मैं तेरा आई गार्ड की तरह नहीं है तो भाई निकल, सेम कंडीशंस है। जो भी है आप अपने इस कल्चर को ना आप अपने क्या कहता हूँ डे टू डे एक्टिविटी में मिला के रखिएगा तो देखना इजी रहता है। मैं वैसे ही पढ़ता हूँ ऐसे भी। इट ब्लॉक्स फाइल दैट कंटेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैलिशियस फाइल्स, क्या करता है एडवेयर, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला जो एड आता रहता है, देखो अरे हम लोग कुछ साइट खोलते हैं तो एडवेयर उसमें क्या होता है स्पाइवेयर होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एंड अनवांटेड आर अनवांटेड एंड इट कैन लीड टू स्पाई, तो कुछ एड आता है उसको हम लोग देखते हैं और पीछे से कुछ डाउनलोड हो जाता है, तो ये भी आप ठीक है ब्लॉक करता है। मेलवेयर एंड बॉटनेट, मेलवेयर और बॉटनेट कुछ होता है जैसे देखो फाइल द बिहेवियर लाइक एडिट एक्सप्लॉइट बॉटनेट ट्रांजिट की लॉगर्स स्पाईवेयर एंड अदर मेलवेयर, ठीक है, तो ये भी डज नॉट फॉल अंडर द सैंडबॉक्सिंग कैटेगरी, दिस इज द जनरल कैटेगरी ऑफ द ऑन इनिशियल मैलिशियस फाइल डज नॉट फॉल अंडर सब, ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। पी टू पी, जैसे हम लोग पी टू पी क्या करते हैं टोरेंट से, यू टोरेंट बी टोरेंट से हम लोग कुछ डाउनलोड करते हैं, ठीक है, पी टू पी फाइल शेयरिंग जो सर्वर्स है तो वहाँ पे भी आपका बिहेवियर कंटेंट हो सकता है सच एज ब्राउजर द बीपीएन, यहाँ पे भी आपका ये काम करते हैं। अब देखो इट ब्लॉक्स मेलिशियस फाइल डाउनलोड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल से अगर कुछ डाउनलोड कर, देखो सिंपल है, इंटरनेट पे आप जाओगे HTTP HTTPS, ठीक है, FTP FTPS, यही जो आप फाइल ट्रांसफर करोगे डाउनलोड करोगे FTP से करोगे, HTTPS से करोगे, HTTPS से करोगे, नेटिव FTP से भी करोगे, सबको वो यही सब प्रोटोकॉल से अगर जब भी करोगे तो वो यूज करो। देखो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिया है, ठीक है, रूल कैसे होता है क्रिएट कैटेगरी, ठीक है, ये क्या है, ये जो प्रोटोकॉल देखो यूज हुआ है यहाँ। अब देखो एडिशनल सैंडबॉक्स फीचर्स, इसमें क्या है एडिशनल सैंडबॉक्स फीचर्स, ठीक है, यू कैन ऐड रूल सैंडबॉक्सिंग रूल अप्लाइड टू ऑर्डर द लिस्टेड ऑफ द फर्स्ट, इसमें क्या है रूल आर अप्लाइड इन द, ये तो सिंपल है, जो पहला आएगा रूल वो पहला होगा, जो नीचे होगा वो नीचे होगा, ये सिंपल है, जितना भी फायरवॉल है जितना दुनिया में सबका है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, ऊपर से नीचे तक आता है। डिफॉल्ट, द डिफॉल्ट रूल इज ऑलवेज लास्ट रूल चेक्ड, डिफॉल्ट रूल जो है सब में है वही है डिफॉल्ट रूल जो नीचे आता है। यू कैन स्पेसिफाई सच फाइल टाइप जी स्केल सर्विस एनालिसिस जी स्केल सपोर्ट सैंडबॉक्सिंग फॉर द फॉलोइंग फाइल टाइप, क्या क्या फाइल टाइप, देखो आर्काइव्स में क्या आता है हम जी टार फाइल है, रेयर फाइल है, जीप फाइल है, 7G पे ये सब करोगे तो भी वो चेक करेगा। एग्जीक्यूटेबल है मतलब जो एग्जीक्यूट जो exe फाइल होता है, देखो यहाँ पे वर्चुअल बेसिक विंडोज एग्जीक्यूटेबल जो है, ठीक है, विंडोज लाइब्रेरी में विंडोज पावर शेल जो स्क्रिप्ट, हम लोग कभी सोचो कि किसी ने किसी को स्क्रिप्ट दे दिया और आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गया, आपने उसको डबल क्लिक कर दिया रन हो गया, वो भी ये स्कैन करते हैं। ऑफिस में ऑफिस एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ये वर्ड फाइल ये सब यू करते हैं। मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज, एंड्रॉयड में सबने देखा होगा ब्र करता है मोबाइल, पता है सब। अदर डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कुछ है, अच्छा वेब कंटेंट देखो एडोब फ्लैश प्लेयर HTML जावा जो भी वेब कंटेंट है वो भी चेक करता है। यू कैन इनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा AI भी काम करता है, अभी तो चैट GPT दुनिया में छाया हुआ है भाई, तो ये अननोन फाइल टू क्वारंटाइन आया, अच्छा AI भी काम करता है अननोन फाइल को क्वारंटाइन करने में, ठीक है। अबाउट सैंडबॉक्सिंग पेज रूल, कॉन्फिगर सैंडबॉक्सिंग पॉलिसी स्टेप, पहला स्टेप अगर सैंडबॉक्सिंग आप कॉन्फिगर करने जाओ तो आपको लास्ट वीडियो में हमने बात किए थे मैलिशियस सॉरी मैलवेयर प्रोटेक्शन, तो अगर सैंडबॉक्स काम करना होगा तो मैलवेयर को आपको काम कराना होगा, देन सैंडबॉक्स विल वर्क, क्या करना होगा इनबाउंड आउटबाउंड, देखो इनेबल इनबाउंड आउटबाउंड इंस्पेक्शंस ये आपको इनेबल करना पड़ेगा, देन इट विल वर्क। देखो वहां पे दिया मेलोर ने जो मेलवेयर प्रोटेक्शन वाला वीडियो हमने बनाया था उसमें सबको हमने इनेबल करके रखा था, और जो
मेलिशियस कंटेंट से उन सबको ब्लॉक करके रखा था। देखो ट्रैफिक अगर वो इंस्पेक्ट ही नहीं करेगा, घर से बाहर जा रहा है बाहर से अंदर आए भाई हाथ उठा, अगर वो इंस्पेक्ट ही नहीं करेगा ऐसे तो कोई काम का होता नहीं है। जो हमारा कहीं पे भी कह लो जो भी हाथ उठा लो जब हम लोग मॉल में जाते हैं, हाँ हाथ उठा लो सर, टिंग 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 करके देखा। तो एक मीम भी आया था कि भाई कोई आके तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा होगा और बोलेगा कि भाई मेरे पास ये है, चलो वो दूसरी बात है। तो सेम है इनबाउंड आउटबाउंड की, जब भी आप चेक करोगे तब भी तो मिलेगा कुछ कि भाई क्या है, अगर छोड़ ही रखोगे तो ऐसे ही जाता आता रहेगा तो किसको पता चलेगा इसके अंदर क्या है बाहर क्या है बैग में क्या है। तो इसीलिए इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करो पहले, इंस्पेक्ट करने के बाद ही तुमको पता चलेगा राइट कि उसमें मैलिशियस कुछ है या नहीं है। ठीक है सेव सैंडबॉक्स ओनली एनालिसिस फाइल और डाउनलोड इनबाउंड। ठीक है देखो ट्रैफिक इंस्पेक्ट के लिए एक चीज अच्छा बोला है, देखो क्या है सैंडबॉक्स ओनली एनालिसिस फाइल दैट आर डाउनलोडेड इनबाउंड, मतलब बाहर से कुछ आप डाउनलोड कर रहे हो उसको ही सैंडबॉक्स एनालिसिस करेगा। ठीक है ये हमने इनेबल कर दिया ट्रैफिक को। ठीक है ये देखो प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल इंस्पेक्ट HTTP HTTPS FTP जो भी है सबको एनालिसिस, देखो मैलवेयर प्रोटेक्शन में ही है और यहाँ पे एक दिया हुआ है अगर मैलवेयर प्रोटेक्शन के जैसे हम लोग बोले कि भाई नहीं इसको छोड़ दे ये VIP है VVIP है जो कल्चर हमारे यहाँ इसको कुछ मत कर तो उसको वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे आप डाल सकते हो लास्ट वीडियो में डाल ऐड सैंडबॉक्सिंग रूल, कैसे रूल ऐड करोगे पॉलिसी सैंडबॉक्स सेम है, पॉलिसी जाके सैंडबॉक्स ऐड रूल, रूल का फीचर्स बाकी सब सेम है जैसे प्रीवियस रूल में है। ठीक है रूल ऑर्डर जैसे पहला रूल पहले इवेल्युएट होगा सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके काम करेगा। एडमिन रैंक जिसका एडमिन रैंक ज्यादा होगा मतलब जीरो टॉप है सेवन सबसे लोएस्ट है, अगर मेरा जीरो है मैंने कुछ रूल बनाया है, सोचो मैंने एक रूल बनाया है दो में नंबर दो रूल नंबर दो और आपका रूल नंबर है सेवन तो आप दो के ऊपर कभी भी पॉलिसी बना नहीं पाओगे, ये सिंपल है वही लिखा हुआ है अपीयर योर इनेबल एडमिन रैंक एडवांस, ये बहुत बार कह चुके हैं हम लोग ये सेम है। ऐसा नहीं एडमिन रैंक यू कैन नॉट सिलेक्ट रैंक द हायर देन यू ऑल। ठीक है तो चलो रूल नेम आपका नाम है मेरा नाम है सबका नाम है तो रूल का एक नाम दे देना है, रूल स्टेटस इनेबल करना है डिसेबल करना है, न्यू क्रिएट कर रहे हो तो इनेबल करो अगर नहीं चाहिए तो उसको डिसेबल कर दो। रूल लेवल है फाइल टाइप, अब देखो फाइल टाइप पहले ही हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं हमारा फाइल टाइप क्या है, आर्काइव होगा एग्जीक्यूटेबल होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए कुछ है मोबाइल आधार, ये हमने डिस्कस कर। यूआरएल कैटेगरी पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि कौन सा यूआरएल कैटेगरी ये नहीं कर सकते हो या भी स्पेसिफाई कर सकते हो। यूजर ये ग्लोबल पॉलिसी बनता है सैंडबॉक्सिंग के, आपके लिए सैंडबॉक्सिंग लगा दी उसके लिए नहीं ऐसा नहीं है, ज्यादातर सब जगह ये नहीं रहता है क्योंकि ये सब कैटेगरी ग्रुप भी ये नहीं हो गई, ये ग्लोबल पॉलिसी के हिसाब से ही काम करता है। डिपार्टमेंट भी ये नहीं होगा, ये पर्टिकुलर यूजर बेस नहीं होता। एनी रूल दैट पार्टिसिपेट ऑन ऑथेंटिकेटेड ट्रैफिक मस्ट अप्लाई ऑल ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट, सो इफ यू कैन चूज टू अप्लाई दिस रूल टू अनऑथेंटिकेटेड ट्रैफिक फॉर द अदर यूजर और डिपार्टमेंट सिलेक्ट एनी फॉर द ग्रुप। ठीक है वही उसने बोला लोकेशन कौन लोकेशन ग्रुप देखो एनी एनी के लिए। अब सैंडबॉक्सिंग का कैटेगरी है दो तीन, सैंडबॉक्सिंग एडवेयर ये पहले ही बात हो चुका है, मेलवेयर बॉटनेट यही बात हो चुका है सैंडबॉक्सिंग। ठीक है ये सब जो है ये उसका टाइप्स है, इस बेसिस से वो काम करता है। ठीक है सैंडबॉक्सिंग से होती है। अब JPA एप्लीकेशन सेगमेंट भी है क्या है इंस्पेक्ट डिस्क्लेयर एप्लीकेशन सेगमेंट टू सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्ट सर्विस इनेबल लिवर्जिंग टू सिग्नेचर प्रोटोकॉल सियासा चाहिए, यहाँ पे कुछ सियासा एप्लीकेशन अगर है आप उस बेस पे भी आप ये काम कर सिलेक्ट 25 अच्छा ये 255 एप्लीकेशन सिग्नेट सिलेक्ट नॉन वैलिड चाहिए पता नहीं है क्या है मुझे सॉरी। सेम है प्रोटोकॉल क्या क्या यूज हो रहा है HTTP FTP वो पहले भी हम लोग पढ़े थे, फाइल डाउनलोड फ्रॉम FTP डाउनलोड फ्रॉम HTTP डाउनलोड फ्रॉम HTTP TLS फाइल डाउनलोड फ्रॉम नेटिव FTP सर्वर। अब देखो एक्शन क्या क्या कर सकते हो, अगर सोचो आपके पास है तो उसको तो अलाउ करोगे डिनाई करोगे जैसे हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं सेम ही है अलाउ एंड डू नॉट स्कैन, तो उसको अलाउ करेगा उसके स्कैन भी नहीं, अलाउ यूजर टू डाउनलोड द अननोन फाइल कोई भी फाइल डाउनलोड कर ले भाई ऐसा है, द सर्विस डजंट सेंड द फाइल टू सैंडबॉक्स फॉर
बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। तो अगर आपने बोला कि भाई अलाउड हो, स्कैन करने की जरूरत नहीं है, ये वीआईपी है, इसको छोड़ दो, तो क्या करेगा भाई? ठीक है, मुझे क्या, चलो उसको छोड़ दो, चला गया वो सैंडबॉक्स, बोलेगा तेरा हेडेक है भाई, मुझे क्या। अलाउस एंड स्कैन, कह रहा है नहीं, अलाउ डाउनलोड करने के लिए करो अननोन फाइल को जो नहीं है, ठीक है, उसको अलाउ करो, ठीक है, लेकिन द सर्विस सेंड द अननोन फाइल, लेकिन इसको नजर रखो किधर, ठीक है, तो वही है, इसको नजर रखो, पहले चेक बैक करो भाई, उसके बाद बोलो टू सैंडबॉक्स बिहेवियर एनालिसिस, इफ द फाइल साउंड्स टू बी मैलिशियस दिस बिकम ए पैटेंट ऑफ जीरो इवेंट, यू कैन कन्फर्म। तो उसको छोड़ दिया घर में, उसके बाद इस पे नजर रख रहे हो, अच्छा जब पकड़ लो, आए निकाल पुलिस मोदे, क्वारंटाइन क्वारंटाइन फाइल, क्वारंटाइन द फाइल व्हाइल इट्स बीइंग एनालाइज, ठीक है, द सर्विस क्या होता है, जो भी क्वारंटाइन कर दो, जो जब भी वो एनर हो सो उसको सॉल्व कर दो, सर्विस डिस्प्ले क्वारंटाइन नोटिफिकेशन, द फाइल इज सेफ, द यूजर कैन डाउनलोड द फाइल आफ्टर द एनालिसिस, इफ अनसेफ सर्विस इज ब्लॉक द डाउनलोड, ठीक है, क्वारंटाइन कर दो, ठीक बंदा है, आने दो, बंदा ठीक नहीं है, ब्लॉक कर दो। मिनिमम थ्रेट स्कोर, इफ यू चूज सैंडबॉक्सिंग सस्पिशियस फॉर सैंडबॉक्सिंग कैटेगरी क्वारंटाइन फास्ट एक्शन, यू कैन एंटर कस्टमर, अच्छा ये आप कुछ वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, थ्रेट वैल्यू बिटवीन 40 से 70, अलाउ डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहता है, उसको आप मॉडिफाई करके 40 से 70 कर, जिस क्लास सर्विस डज नॉट सॉरी डज एन इनिशियल सैंडबॉक्सिंग स्टैटिक एनालिसिस अननोन पीडीएफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल टू चेक इफ दे कंटेन एक्टिव कंटेंट्स, इफ दे डू दे आर सेंड टू सैंडबॉक्सिंग फॉर बिहेवियर एनालिसिस, इफ दे डिड नॉट दे आर क्लासिफाइड एज बीइंग अलाउड टू डाउनलोड, चाहिए बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का पीडीएफ और वर्ड फाइल जो भी है ऑफिस फाइल है उसको स्कैन करना, अगर ठीक ठाक डाउनलोड हो जाएगा, नहीं है तो अब जो कह रहा हो तो एआई से भी कर सकते हो, इसको मुझे ज्यादा एक्टिव सब्सक्रिप्शन डाउनलोड, देखो आप कैसे करोगे, सैंडबॉक्सिंग पॉलिसी में जाके सैंडबॉक्सिंग जो है ऐड रूल करोगे, ठीक है, रूल में एक नाम दोगे, रैंक आपका 7 है, ठीक है, फाइल टाइप क्या फाइल टाइप है उसको सिलेक्ट करोगे, रूल नेम दे रहा हो आप, फाइल टाइप देखो ये दुनिया भर के फाइल टाइप, प्रोटोकॉल क्या दोगे, ठीक है, कैटेगरी क्या होगा सैंडबॉक्स कैटेगरी, जो अभी हम पढ़ रहे थे सैंडबॉक्स कैटेगरी, एक्शन होगा क्या, ब्लॉक फास्ट एक्शन क्वारंटाइन, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने जो डाला है वही करना है, क्वारंटाइन के बाद ब्लॉक कर सकते हो, देखिए यहाँ पे देखो ये अलाउ एंड स्कैन, ठीक है, तो ये भी है, और ये है सैंडबॉक्सिंग रूल, देखो ये 7 बार सैंडबॉक्सिंग, ये देखो ये एफटीपी ओवर एसएसटीपी, ठीक है, उसके बाद सेव कर दो, काम बन गया आपका, ठीक है, व्यू रिकमेंडेड सैंडबॉक्स पॉलिसी, रिकमेंडेड क्या है, देखो सैंडबॉक्स कह रहा है कि फास्ट एक्शन अलाउड स्कैन, अच्छा, और उसके बाद एक्शन फॉर सबसिक्वेंस डाउनलोड ब्लॉक, कैटेगरी देखो कैटेगरी में सिलेक्ट टाइप यूजर एनी डिपार्टमेंट एनी लोकेशन एनी ये सब एनी एनी डाल दो, ठीक है, कह रहा है, और फाइल टाइप सिलेक्ट फाइल टाइप, और तो ये हो गया आपका सैंडबॉक्सिंग, फिर से मैं कह रहा हूँ सैंडबॉक्सिंग बहुत खूबसूरत मजेदार प्राची क्या कहते हैं जो भी है वही जो आपने कहा वही है, पढ़ो, ठीक है, ये आपका साइबर सिक्योरिटी में बहुत काम आने वाला है, ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, किधर गया भाई, सिक्योर ब्राउजिंग, उसके बाद डेटा लॉस, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेक इन इंडिया के काम में हाथ बटाइए, जय हिंद।